दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई मिल गया मूवी में जादू का रोल निभाने वाला कौन था? और क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है उसकी प्रेडिक्शन किसी ने 40 साल पहले ही कर दी थी? या फिर कभी आपने सोचा है कि फिर हेराफेरी में ये जो काले कपड़ों वाला लंबा इंसान है वो कौन है? तो दोस्तों, ऐसे ही होश उड़ा देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, क्या आप इंद्रवर्धन पुरोहित को जानते हो? मे बी शायद ही कोई उन्हें जानता होगा, मगर क्या आप कोई मिल गया वाले जादू को जानते हो? अगर हाँ, तो फिर आपने हमारे पहले क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, क्योंकि कोई मिल गया में जो जादू का रोल करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि यही इंद्रवर्धन पुरोहित थे, जिन्होंने जादू बनकर हमारे बचपन के दिनों की यादों को मेमोरेबल बना दिया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के एंडिंग सीन को कौन भूल सकता है, जब शाहरुख खान का कैरेक्टर अमन हॉस्पिटल में मर जाता है। ये सीन बॉलीवुड के आइकॉनिक सीन्स में से एक है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शाहरुख खान के बच्चों ने ये एंडिंग कभी नहीं देखी, क्योंकि शाहरुख खान के कहने पर इसके राइटर करण जौहर ने एक अलग एंडिंग शाहरुख खान के बच्चों के लिए लिखी थी और फिर इस फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने वो एंडिंग शूट करके फिल्म में ऐड की थी SRK के बच्चों को दिखाने के लिए। और इस एंडिंग में अमन मरता नहीं है बल्कि प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की शादी के बाद इंडिया आ जाता है। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस जो है जो पिछले 2 साल से चल रहा है, अगर हम आपको कहें कि इस वायरस की प्रेडिक्शन 40 साल पहले ही हो चुकी थी इस बुक में जिसका नाम था द आईज ऑफ डार्क, इस बुक के ऑथर ने 40 साल पहले ही इस वायरस का प्रेडिक्शन कर लिया था, जो आप यहां देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 ही क्यों निकाली, आईफोन 9 क्यों नहीं? तो गाइस, जब ये एप्पल वाले आईफोन का 9th एडिशन निकाल रहे थे, तब उस साल आईफोन वालों का 10th एनिवर्सरी था, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन निकला था और वो अपने फोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, तो इसीलिए वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 निकाले। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने फिर हेरा फेरी पिक्चर तो देखी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि मूवी के कुछ सीन्स में ये जो काले कलर के कपड़ों वाला लंबा इंसान दिखाया था वो कौन है? क्योंकि पूरी मूवी में बस उसकी बॉडी ही दिखाई गई है, तो वो शख्स ये है जिनका नाम है जगदीप सिंह, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट पुलिसमैन भी हैं। आप में से शायद ही किसी को ये बात पता होगी, इसलिए इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अंत में एक बोनस फैक्ट उन लोगों के लिए जो अब तक वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अनिल कपूर का परिवार एक समय पर राज कपूर के कार गैरेज में रहा करता था? जी हाँ, आपने सही सुना, अनिल कपूर ने राज कपूर के गैरेज में कई रातें बिताई हैं अपने पिता और बच्चों के साथ, जिसका कारण था कि बंटवारे से पहले अनिल का परिवार पाकिस्तान में रहा करता था, लेकिन बंटवारा होने के बाद इनका परिवार भारत आ गया। अनिल के पिता सुरेंद्र कपूर के पास उस वक्त अपना घर नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ अभिनेता राज कपूर के गैरेज में रहा करते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दो एपिसोड 2, और साथ ही साथ इस वीडियो को कर दो लाइक। और इस वीडियो पे 15K लाइक्स आ गए तो हम इस वीडियो का एपिसोड 2 रिलीज कर देंगे। Subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.